नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। चेन्नई के मौलिवक्कम में 11 मंजिला इमारत को ढहा देने का एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि इस इमारत को विस्फोट की मदद से ढहा दिया गया है। गौरतलब है कि मौलिवक्कम एरिया में ऐसी दो इमारतें थीं। इससे पहले एक इमारत 27 जुलाई साल 2014 में खुद ही गिर गई थी, जिसकी वजह से 61 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद इस दूसरी 11 मंजिला इमारत को तभी के तभी असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस 11 मंजिला इमारत को भी ढहा देने का आदेश दे दिया था। आपको बता दें कि विस्फोट से इस 11 मंजिला इमारत को ढहाने का काम तिरुपुर की एक फर्म ने किया है। जब ये बिल्डिंग ढहाई जा रही थी तो उसके आसपास के इलाकों में पुलिस तैनात की गई थी, ताकि किसी और की जान ना जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।